फंक्शंस। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसको बहुत ही हेविली यूज़ किया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन को हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये वेब पेज है और इसके ऊपर कोई बटन है, समझ लीजिए कि लॉगिन का बटन है, और उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करनी है, जैसे लॉगिन करना है, ठीक है। तो जो लॉगिन का लॉजिक है, उसका जो कोड है, उसको हम एक फंक्शन के अंदर या फिर एक ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। अगर इसको सरल सी लैंग्वेज में समझने जाएं, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो कोड का ग्रुप है, उसको हम एक फंक्शन के अंदर रख सकते हैं, और फिर उस फंक्शन को हम इन्वोक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ में इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि फंक्शन को हम रीयूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए जल्दी से एग्जांपल देखते हैं, ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है फंक्शन कीवर्ड, और फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद हमें फंक्शन का नाम देना होता है। तो समझ लेते हैं कि यहाँ पर लॉगिन फंक्शन हमें बनानी है, तो इसको मैंने लॉगिन नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, ये आपको देने होते हैं, और इसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस है उसको ओपन करना है, और लास्ट में इसको क्लोज करना है, ठीक है। तो ये होती है फंक्शन, और जो भी कोड आपको लिखना है वो लिखना होता है इसके अंदर। यहाँ पे जो भी आपके फंक्शन के अंदर का लॉजिक है वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर क्या करते हैं, समझ लेते कि यहाँ पर लॉगिन का लॉजिक है, जो भी बैक एंड पे हमें यूज़र नेम पासवर्ड भेजना है वो हमने यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। और फाइनली मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर अभी के लिए ऐसे करते हैं सिंपल से। तो यहाँ पर लिखूँगा लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और अभी ये फंक्शन अगर मैं रन करूँगा, तो यहाँ पर देखिए मैं कंसोल ओपन करता हूँ, और देखिए कंसोल के अंदर हमें यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आप कभी भी फंक्शन बनाते हो तो उसको आपको इन्वोक करना होता है। इन्वोक करना मतलब सिंपली इसको कॉल करना होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को कॉल हम कैसे करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स है ये आपको देने हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और जैसे ही अभी इसको हम कॉल करेंगे तो इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए सेव करता हूँ, तो आपको यहाँ पर कंसोल के अंदर दिखेगा कि लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाने के और भी एक दो तीन तरीके हैं, उसको भी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें से ये एक तरीका है। अभी समझ लेते हैं कि एक यूज़र है मेरे पास, तो उसका नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल जॉन, ठीक है, जॉन है। और अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो जॉन यूज़र हैं ये लॉगिन कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा देखिए जॉन लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अभी मैं अगर लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर हमें दिखेगा जॉन लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अभी ये तो ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि इस फंक्शन को हम रीयूज़ नहीं कर सकते। समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास दूसरा यूज़र है, जैसे कि जेन, ठीक है। तो जेन के लिए हम ये वाला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने उसका जो यूज़र नेम है वो हमने हार्ड कोड कर लिया। तो फंक्शन हम बेसिकली बनाते हैं इसके लिए, ताकि हम इसको रीयूज़ भी कर पाएँ, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स भी हम रिसीव कर सकते हैं। अभी पैरामीटर्स मतलब क्या है, यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कुछ डेटा हम रिसीव कर सकते हैं, और वो डेटा पास कहाँ से किया जाता है, जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो। तो फॉर एग्जांपल लॉगिन के लिए मुझे दो चीज़ें ज़रूरी है, और वो है, एक तो है यूज़र नेम और दूसरा है पासवर्ड। तो अगर मैं करूँगा यूज़र नेम, और यहाँ पर कॉमा मुझे देना है, मल्टीपल अगर पैरामीटर्स आप रिसीव कर रहे हो तो, और दूसरा है पासवर्ड, देखिए। और अभी ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, इसको हम यहाँ पर अपने लॉगिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर लॉजिक हो सकता है, ठीक है, लॉगिन का।
और फाइनली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हार्ड कोड नहीं करूँगा, पहले तो एक काम करता हूँ, ये जो सिंगल कोड्स है इसको हम कन्वर्ट करेंगे बैक टिक्स में, ताकि हम वेरिएबल यहाँ पर इसके अंदर जोड़ पाए, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस तरह से करोगे तो जो यूज़र नेम हमें रिसीव हो रहा है उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो जो भी यूज़र नेम हम पास करेंगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और अभी मैं लॉग इन जहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ से जो भी पैरामीटर्स हम यहाँ पर रिसीव करते हैं उसको हमें यहाँ से पास करना होता है, जहाँ से भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हो। तो लॉगिन को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले यूज़र नेम चाहिए, तो इसका यूज़र नेम देते हैं जॉन, ठीक है। सेव करेंगे तो आप देख सकते हो जॉन लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। और अभी दूसरा यूज़र आया जैसे कि जेन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस फंक्शन को रीयूज़ करूँगा, सिंपली इसको दोबारा यहाँ से मैं कॉल करूँगा, लेकिन अभी इसका जो नाम है वो मैं जेन दूँगा। अभी क्या होगा देखिए, सेव करूँगा तो सबसे पहले जॉन लॉग्ड इन और उसके बाद जेन लॉग्ड इन। तो आप देख सकते हो कि इस फंक्शन को अभी हम रीयूज़ कर सकते हैं, जितने भी सारे यूज़र्स हैं सबके लिए हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और ये पॉसिबल हुआ किसकी वजह से, ये जो पैरामीटर्स हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं। अभी आप सोचोगे कि यहाँ पर दो पैरामीटर्स हमें रिसीव हो रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ से एक ही पैरामीटर पास किया है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये आप कर सकते हो, इससे कोई भी एरर आपको मिलेगी नहीं। सिंपली क्या होगा, अगर पासवर्ड को यहाँ पर मैं लॉग करता हूँ, देखिए कंसोल डॉट लॉग, और पासवर्ड अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा, देखिए इसको मैं कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी अगर सेव करता हो तो आप देख सकते हो अनडिफाइन हमें मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर आप कोई भी पैरामीटर रिसीव कर रहे हो लेकिन उसको अगर यहाँ से पास नहीं करोगे तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके पासवर्ड पास करूँगा जैसे कि सीक्रेट, ठीक है, सेव, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहला जो कॉल है हमारा फंक्शन का, इसका पासवर्ड यहाँ पर लॉग हो गया, लेकिन जो दूसरा है यहाँ पर हमने पास नहीं किया है, तो ये अभी तक अनडिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है, अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हो, रिसीव कर रहे हो लेकिन उसको पास नहीं कर रहे हो, तो वो जो पैरामीटर होता है वो अनडिफाइंड उसके अंदर सेट हो जाता है। अभी इसको मैं कमेंट करता हूँ और एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर मेरे पास और एक फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो स्ट्रिंग हम पास करेंगे उसको ये अपर केस में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो फंक्शन को नाम देता हूँ मैं अपर केस, और यहाँ पर इसके अंदर मैं जो स्ट्रिंग है हमारी उसको मैं रिसीव करूँगा, और उसको नाम देता हूँ str। देखिए ये जो होता है इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली होता है एक लोकल वेरिएबल इस फंक्शन के लिए, इसके बारे में थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने str नाम दे दिया, और इसके अंदर मैं करूँगा जो भी str मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है उसके ऊपर मैं कॉल करूँगा, जावास्क्रिप्ट की इनबिल्ट मेथड है स्ट्रिंग के ऊपर। अभी तक ये स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स है ये हमने अभी तक देखी नहीं है, आगे जाके किसी सेशन में ये आ जाएगा, ठीक है। तो मेथड आती है टू अपर केस, देखिए इस तरह से आपको इसको कॉल करना है। और ये जो है इसको अगर मैं लॉक करके दिखाता हूँ, देखिए, और यहाँ पर इस तरह से, ओके, सेव करेंगे, अभी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए आपको इस तरह से लिखना है, और अभी ये जो str है इसको पास करना है, तो एक स्ट्रिंग पास करते हैं जैसे कि जावास्क्रिप्ट, सेव करेंगे तो आप रिजल्ट देख सकते हो, जो भी जावास्क्रिप्ट है ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये क्या कर रही है, प्रिंट कर रही है यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट ना करे, ये रिज़ल्ट हमें रिटर्न करे, और फिर हम उस रिज़ल्ट के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन कोई रिज़ल्ट रिटर्न करे, अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड आता है, रिटर्न कीवर्ड आप लिखना है आपको, और इस तरह से जो भी आपको रिटर्न करना है उस फंक्शन से वो आपको इसके आगे लिखना है, ठीक है। तो जो भी स्ट्रिंग है वो अपर केस होने के बाद वो रिटर्न हो जाएगी,
ठीक है। और फिर अभी ये फंक्शन जब भी हम कॉल करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा जो भी वो फंक्शन रिटर्न कर रही है। तो इस केस में स्ट्रिंग को अपर केस करके ये रिटर्न कर रही है, तो इस कॉल का रिजल्ट होगा जो भी अपर केस स्ट्रिंग है। तो उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट, और अपर केस इस तरह से मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो रिजल्ट के अंदर जो भी रिजल्ट है इस फंक्शन कॉल का वो आ जाएगा। अगर इसको मैं अभी लॉक करता हूँ रिजल्ट को, देखिए सेव, और यहाँ पर आप देख सकते हो सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है। ओके, इसका मतलब आप फंक्शन से जो भी आपको चाहिए वो रिटर्न कर सकते हो। अभी यहाँ पर और एक चीज़ याद रखनी है आपको कि अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है तो भी फंक्शन की एक डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू होती है। देखिए अभी रिटर्न कीवर्ड मैंने यहाँ से हटा दिया, अभी सेव करूँगा तो मुझे अनडिफाइन यहाँ पर मिलेगा। और इसका रीज़न ये है क्योंकि फंक्शन से आप अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमें अनडिफाइन रिटर्न करती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखनी है आपको। और एक चीज़ है, देखिए जो भी वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो उसको आपको सेम लाइन पे लिखना है जहाँ पर रिटर्न कीवर्ड है। देखिए अगर मैं ऐसे करूँगा, इसको न्यू लाइन पे लूँगा, सेव करूँगा, तो देखिए अभी भी हमें अनडिफाइन मिलेगा। और इसका रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, रिटर्न कीवर्ड देखेगा और उसके आगे कुछ नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है इंटरनली इसके आगे ये जो सेमी कॉलन है वो लगा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिटर्न और जो लाइन है ये एंड हो गई। और रिटर्न अगर आप सिंपली ऐसे करते हो, कुछ भी रिटर्न नहीं करते हो, सिर्फ रिटर्न कीवर्ड लिखते हो, तो वो फंक्शन वहाँ पे ही टर्मिनेट हो जाती है, तो आगे का कोड रन होगा या नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसको आपको सेम लाइन पे लिखना है जो भी आप रिटर्न कर रहे हो। ओके, या फिर अगर यहाँ से आप कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट का जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो एटलीस्ट होना चाहिए उस लाइन पर। ठीक है, और बाद में जो बाकी का है न्यू लाइन पे वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए फिर से रिवर्स करता हूँ इसको, अभी इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पर और एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा और फंक्शन इसको नाम देते हैं कैलकुलेट एरिया। ठीक है, और इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स रिसीव करेंगे, पहला है विड्थ और दूसरा है हाइट। ठीक है, और ये हम यहाँ पर एरिया रिटर्न कर रहे हैं एक रेक्टेंगल का, तो मैं करूँगा रिटर्न, देखिए, और सिंपली आपको करना है विड्थ, अगर आपने मैथ में देखा होगा ये विड्थ इंटू हाइट अगर आप करते हो तो इसका जो एरिया है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर वेरिएबल बनाते हो तो कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया और उसको इसके अंदर स्टोर करो और फिर उस वेरिएबल को आप रिटर्न कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी सेव करूँगा इसको और यहाँ पर इसको मैं कॉल करता हूँ इस फंक्शन को, तो मुझे दो पैरामीटर्स यहाँ से मुझे पास करने हैं और वो है सबसे पहले विड्थ मैं देता हूँ 30 और हाइट देता हूँ 40। ठीक है, सेव करेंगे और यहाँ पर अभी कुछ भी दिखेगा नहीं क्योंकि हमने कोई भी चीज़ लॉग नहीं की है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ एरिया, जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट क्या है, ये जो एरिया हम रिटर्न कर रहे हैं उसको एक वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर दिया और फिर इसको मैं अभी लॉग करूँगा एरिया, सेव, तो आप देख सकते हो 1200 जो कि ये एरिया है इसका। अभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो 40 है जो कि हाइट है वो मैंने यहाँ पर पास ही नहीं की, तो अभी क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम हाइट जो है वो तो रिसीव कर रहे हैं लेकिन यहाँ से पास नहीं कर रहे, तो आपको पता होगा हाइट मतलब क्या होता है, अनडिफाइन होता है, जो पैरामीटर अगर आप पास नहीं करते हो तो वो अनडिफाइन सेट हो जाता है। सेव अगर करूँगा तो मैं यहाँ पर नॉट अ नंबर, ये स्पेशल वैल्यू हमें रिटर्न हो जाती है, ये जो एन ए एन है वो है नॉट अ नंबर। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि विड्थ तो हमने यहाँ से पास कर दी है, तो विड्थ कितनी है 13 इंटू हाइट, हाइट क्या है, अनडिफाइन है, अनडिफाइन इंटू नंबर। अगर ऐसा आप करते हो तो इसका रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, नॉट अ नंबर। ठीक है, देखें, और वही यहाँ पर हुआ है, हमें नॉट अ नंबर रिसीव हुआ है क्योंकि
हमने हाइट यहाँ पर पास ही नहीं की। अभी इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। देखिए पैरामीटर्स, और उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो भी पैरामीटर आप रिसीव कर रहे हो इसके आगे ये इक्वल साइन देना है, और जो भी वैल्यू है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वो आपको यहाँ पर देनी है। तो हाइट मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो, ठीक है। अभी सेव करूँगा तो आप देख सकते हो 30, क्योंकि अगर यहाँ से हम पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं तो ये हाइट के अंदर क्या आ जाएगा, ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वो, तो 30 × 1 ये हो जाएगा 30। ओके, तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास करते हैं। और हाँ, बाय द वे ये जो सिंटैक्स है ये नया है, ये AS6 के अंदर आया था, और इससे पहले हम क्या करते थे, ये सिंटैक्स जब तक नहीं था तभी हम इसको मैन्युअली चेक करते थे। तो मैन्युअली चेक करने के लिए टर्नरी ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो चेक कर सकते हैं कि हाइट अगर अनडिफाइंड है, देखिए अनडिफाइंड, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे 1 रिटर्न करना है, सेट करना है बेसिकली, नहीं तो मुझे क्या सेट करना है, जो भी हाइट है अनडिफाइंड, अगर नहीं तो वही हाइट मुझे चाहिए, और इसको मैं स्टोर करूँगा सेम उसी वेरिएबल के अंदर, हाइट के अंदर जो भी हमें रिसीव हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आएगा, ये चेक करेगा जो भी हाइट रिसीव हो रहा है वो अगर अनडिफाइंड है तो ये रिटर्न करो, ये 1 जो है वो इस हाइट के अंदर जाएगा, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर आगे जाके यूज़ करेंगे तो उसके अंदर 1 होगा। अगर ये अनडिफाइंड नहीं है तो ये यहाँ पर एल्स पार्ट है, मतलब जो भी हाइट आ रही है वो आप इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हम पहले इस तरह से करते थे, ठीक है। अभी सेव करूँगा तो आपको 30 यहाँ पर दिखेगा, और अगर मैं 40 यहाँ पर पास करता हूँ तो देखिए 1200 फिर से दिख रहा है। ओके, तो कुछ इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से करके मैं छोड़ता हूँ। ओके, अभी इसको मैं कमेंट करूँगा, और यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं, तो और एक फंक्शन में बनाऊँगा। और बेसिकली अभी हम देखने वाले हैं वेरिएबल स्कोप, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वेरिएबल स्कोप हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पर हमें अवेलेबल है। तो फंक्शन में बनाऊंगा और इसको नाम देते हैं डाउनलोड, देखिए ये डाउनलोड करने की फंक्शन है, ऐसे समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर कोई डाउनलोड का लॉजिक हो सकता है, ठीक है। देखिए डाउनलोड लॉजिक, और थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक वेरिएबल में बनाता हूँ, इसको देते हैं फाइल नेम, और ये है xyz.pdf देते हैं, ठीक है। ये हमारी फाइल है और इसको हमें डाउनलोड करना है, इसे समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और अभी अगर मैं करूँगा console.log फाइल नेम, देखिए फाइल नेम सेव करेंगे, फंक्शन को हमें कॉल भी करना है, तो यहाँ पर कॉल करते हैं इसको सेव, देखिए xyz.pdf, ओके, ये वेरिएबल हमारा लॉग हो रहा है। अभी अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको लॉक करता हूँ, या फिर क्या करता हूँ यहाँ पर इसके नीचे करता हूँ, सबसे पहले फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर इसको मैं कॉल करता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये फाइल नेम हमें यहाँ पर मिलेगा या नहीं। चलिए इसको चेक करते हैं, सेव करेंगे तो आप देख सकते हो फाइल नेम इज़ नॉट डिफाइंड, एरर आ गई। इसका मतलब ये फाइल नेम इसको मिल नहीं रहा है, और ये क्यों मिल नहीं रहा है, क्योंकि इसका रीज़न ये है, जो वेरिएबल स्कोप होता है फंक्शन का, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन के अंदर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो वो वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन के अंदर हमें अवेलेबल रहता है, आप उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये आपको याद रखना है, लेकिन बाहर का जो वेरिएबल है वो आप फंक्शन के अंदर से यूज़ कर सकते हो। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वेरिएबल है इसको अगर मैं कट करके ऊपर लेके जाता हूँ फंक्शन से पहले, और ये जो कंसोल लॉग है मैं फंक्शन के अंदर अगर लेके जाता हूँ तो अभी क्या होगा, देखिए, और आप देख सकते हो xyz.pdf, इसका मतलब ये जो वेरिएबल है ये फंक्शन के बाहर है, लेकिन फंक्शन के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि वेरिएबल, बाहर के वेरिएबल आप अंदर से यूज़ कर सकते हो, लेकिन फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाते हो तो उसको आपको यूज़ करना होगा सिर्फ फंक्शन के अंदर, बाहर से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर इस फीचर का यूज़ बहुत जगह पे किया जाता है, क्योंकि
इसको यूज़ करके आप कोई भी वेरिएबल को यहाँ पर प्राइवेट कर सकते हो, राइट। मतलब फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाते हो तो ये बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो अंदर का जो वेरिएबल है वो प्राइवेट हो चुका है, ठीक है। तो जो लाइब्रेरीज़ बनती है बहुत सारी, तो इसमें इस टाइप का पैटर्न यूज़ किया जाता है, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट करता हूँ और अभी देखते हैं कि फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन तो ये क्या है, ये अभी हमें समझना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले फंक्शन, देखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमने किया था इस तरह से फंक्शन, देखिए, लॉगिन इस तरह से, तो ये जो है ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। और अभी देखते हैं कि एक्सप्रेशन, ये जो सेम फंक्शन है उसको फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ करके हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन, और मैं करूँगा सबसे पहले एक वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा और इसको मैं लॉगिन नाम देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन को स्टोर करूँगा, और वो ऐसी फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होगा, या फिर इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोला जाता है। देखिए मैं सिर्फ लिखूँगा फंक्शन कीवर्ड, लेकिन इसके बाद फंक्शन का नाम नहीं लिखूँगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये है एनोनिमस फंक्शन, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उस फंक्शन को मैं स्टोर कर रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो अभी एक मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिक्लेरेशन को ये हमने पहले देखा ही है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, और जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर करता हूँ लॉग्ड इन, और सेव करते हैं, और इसको मैं कॉल करता हूँ, देखिए। और अब देख सकते हो लॉग्ड इन, मतलब ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस जो होती है उसको आप एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर देखा होगा ऊपर हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास करते थे, राइट। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पैरामीटर, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, इस तरह से पैरामीटर्स हम रिसीव कर सकते थे, राइट। तो ये जो ए और बी है इसका टाइप क्या था, ये नॉर्मली नंबर हो सकता है, ये स्ट्रिंग हो सकती है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये एरे हो सकता है, या फिर देखिए या फिर आप एक फंक्शन भी यहाँ से पास कर सकते हो, और ये बहुत ही पावरफुल है। तो आपने अगर कभी कॉल बैक का नाम सुना होगा, तो कॉल बैक के अंदर बेसिकली हम फंक्शन पास करते हैं एज अ पैरामीटर। तो जल्दी से उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे आते हैं और करते हैं कॉल बैक। देखिए ये कॉल बैक जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही हेविली यूज़ होता है, अगर नोड जेएस हम करेंगे तो उसके अंदर कॉल बैक्स बहुत जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको समझना है, और यहाँ पर देखिए एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और करते हैं फॉर्मेट टेक्स्ट, ठीक है। ये फंक्शन क्या करती है, आप जो भी टेक्स्ट इसको पास करोगे उसको ये फॉर्मेट करती है। तो हमें इसको क्या देना होगा, टेक्स्ट देना होगा फॉर्मेट करने के लिए, और मैं क्या करूँगा यहाँ से रिटर्न करूँगा टेक्स्ट को फॉर्मेट, मतलब मैं क्या करूँगा सिंपली टेक्स्ट को अपर केस करूँगा। तो अपर केस करने के लिए आपने देखा ही होगा थोड़ी देर पहले, आपको वो टेक्स्ट लिखना है और उसके ऊपर आपको एक मेथड कॉल करनी है टू अपर, देखिए अपर केस इस तरह से। और अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, देखिए यहाँ पर इसको कॉल कर दिया, अभी हमें वो टेक्स्ट पास करना है, और यहाँ पर मैं हेलो करता हूँ, सेव करेंगे, देखिए फॉर्मेट टेक्स्ट, हाँ इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा रिजल्ट, और यहाँ पर करते हैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, सेव करेंगे तो आप देख सकते हो अपर केस हेलो। अभी ये ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको और भी, इस फंक्शन को और भी थोड़ा सा जनरल बनाना चाहता हूँ, जो भी इसको यूज़ कर रहा है उसको अगर मैं और भी फ्रीडम देना चाहता हूँ, मतलब यूज़र डिसाइड करे कि उसको कैसे फॉर्मेट करना है। देखिए अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन चलिए आपको मैं इसको करके दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो सेकेंड पैरामीटर है यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन पास करूँगा, मतलब यहाँ पर मैं एक
फंक्शन पास करूंगा, देखिए इसको ये नाम देते हैं फॉर्मेट से भी, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और ये एक फंक्शन होगी जो मैं यहाँ से पास करूंगा जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आके मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि टाइप ऑफ, देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल का आप टाइप चेक कर सकते हो, आपको लिखना है टाइप ऑफ, और देखिए फॉर्मेट सी बी जो पैरामीटर है उसका टाइप हम चेक कर रहे हैं, वो अगर बराबर है किससे, फंक्शन से, मतलब बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि ये जो फॉर्मेट सी बी है ये अगर एक फंक्शन है तो क्या करना है हमें, सिंपली जो फॉर्मेट सी बी है उसको कॉल करना है और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट हमें रिसीव हो रहा है उसको मैं पास कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको लगेगा, लेकिन थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि ये कितना पावरफुल है। या फिर अगर यहाँ पर else हम करते हैं, देखिए बेसिकली हम ये जो कर रहे हैं ये टर्नरी ऑपरेटर है, देखिए ये एक्स्ट्रा एक हो गया, ये टर्नरी ऑपरेटर्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आप नॉर्मल इफ एल्स भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर क्या वन लाइनर है, एक लाइन में हो जाता है काम, इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फिर से यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एक तो टेक्स्ट है जो पास कर रहे हैं स्ट्रिंग है, और जो दूसरा है वो एक फंक्शन हम पास करने वाले हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो पैरामीटर हमने पास किया है वो अगर फंक्शन है, देखिए इस तरह से चेक करते हैं हम फंक्शन है या नहीं है, वो अगर है तो उस फंक्शन को कॉल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इसको कॉल कर दिया और उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया, कौन सा पैरामीटर पास कर दिया, जो यूज़र हमें टेक्स्ट भेज रहा है उसको हमने उसको पास कर दिया। और अगर ये फंक्शन नहीं है, इसका मतलब कोई भी फंक्शन यूज़र ने अगर पास नहीं की है तो अनडिफाइंड रहेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे टेक्स्ट को अपर केस कर रहे थे वही करो, ठीक है। और फाइनली इसको हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। और अभी अगर मैं सेव करूंगा इसको तो आपको हेलो यहाँ पर दिखेगा, कोई फ़र्क यहाँ पर दिखेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अभी पावर देखिए, यहाँ पर अगर मैं एक फंक्शन पास करता हूँ, देखिए फंक्शन पास करने के लिए सिंपली मैं सेकेंड पैरामीटर सिंपली लिखूंगा फंक्शन, और यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन मैं पास करूंगा, इसको कोई भी नाम मैं नहीं दूंगा। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखी, देखिए थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन देखी थी, देखिए यहाँ पर हाँ ये जो थी ये एनोनिमस फंक्शन थी, इसका कोई भी नाम नहीं था, राइट। तो हम उसी तरह से यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन मैंने बना दी और इसको यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे इस पर लेता हूँ और अभी आप देख सकते हो कि ये जो पैरामीटर हमें रिसीव हो जाएगा ये होगा एक फंक्शन, तो ये जो है कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी और फिर फंक्शन हमारी क्या करेगी, जो भी फंक्शन हम यहाँ पर लिखने वाले हैं उसको यहाँ पर कॉल करेगी, राइट। तो इसको यहाँ पर जब भी कॉल करेगी तो वहाँ से हमें जो टेक्स्ट हम पास कर रहे हैं वो हमें फिर से यहाँ पर ये पास करके दे रही है, इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर हमें टेक्स्ट रिसीव होने वाला है, राइट। और अभी इस टेक्स्ट के साथ में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसको कैपिटलाइज करो, तो कैपिटलाइज करने के लिए यहाँ पर हम नॉर्मली करते हैं टेक्स्ट, सबसे पहले जो स्ट्रिंग है उसका सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो मैं गेट करूँगा। तो यहाँ पर एक मेथड आती है स्ट्रिंग के ऊपर, यूज़ करते हम कैर एट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ज़ीरो। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आपका टेक्स्ट है उसका जो पहला लेटर है वो मुझे दीजिए, और उसको मैं क्या करूँगा, टू अपर केस करूँगा, देखिए इस तरह से। और आगे हमें क्या करना है, जो बचा वाला टेक्स्ट है पहला कैरेक्टर छोड़ के वो इसको फिर से ज्वाइन कर देना है, इससे क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट है वो आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट यहाँ पर, और एक मेथड आती है वो है स्लाइस, और यहाँ पर मैं वन करूँगा, इससे होगा ये जो भी स्ट्रिंग है उसके ऊपर अगर आप स्लाइस मेथड कॉल करते हो तो ये क्या करेगी, देखिए स्लाइस वन है मतलब पहला लेटर छोड़ के जितनी भी बची वाली जो स्ट्रिंग है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। पहला हमें नहीं चाहिए क्योंकि पहले को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपर केस कर रहे हैं, राइट। और फिर पहले को अपर केस करके जो भी पहला छोड़ के जितनी भी स्ट्रिंग है बच्चे वाली उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ से मैं इसको करूँगा रिटर्न। और अभी क्या होगा, देखिए सेव अगर मैं करूँगा
तो यहाँ पर आप देखिए एच जो है ये बड़ा कैपिटल हो चुका है, मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट है ये कैपिटल हो चुका है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता था, सिर्फ अपर केस करता था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि फंक्शन हम पास करके हमने यूज़र को फ्रीडम दे दिया कि आपका जो टेक्स्ट है उसको आपके हिसाब से आप फॉर्मेट कीजिए, आपको जैसे चाहिए वैसे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये कितना पावरफुल है। और बेसिकली ये जो है इसको हम कॉल बैक बोलते हैं, जो फंक्शन हम पास करके अंदर से फिर उसको कॉल करते हैं, तो यही कॉल बैक है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से आप कोई भी फंक्शन और दूसरी फंक्शन के अंदर आप पास कर सकते हो एज ए पैरामीटर। अभी ये होने के बाद यहाँ पर देखिए इसको मैं कमेंट करता हूँ। और अभी और एक इम्पॉर्टेंट हमें इसके अंदर देखना है, और वो है देखिए इफ ही या फिर इमिडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अभी ये क्या होता है, आप हर जगह पे देख रहे हो कि फंक्शन बना के हमें कॉल करने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर आपको मैन्युअली फंक्शन को कॉल नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि फंक्शन जैसे क्रिएट हो जाती है वो ऑटोमेटिक उसी टाइम पर इसको कॉल करे, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है ये। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए फंक्शन लॉगिन, या फिर और एक फंक्शन बनाते हैं दूसरी की सेटअप फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर इस तरह से मैं करूँगा, और यहाँ पर कंसोल लॉग करते हैं, सेटअप डन। ठीक है, ये फंक्शन है, और अभी मैं अगर चाहता हूँ कि इसको कॉल करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा तरीका है वो आप इस तरह से लिख दो और फिर इस तरह से इसको कॉल कर दो, तो इस तरह से हम नॉर्मल करते हैं। लेकिन एफी जो है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इसको ये फंक्शन ऑटोमेटिक उसको कॉल करेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये सेटअप हटा देता हूँ, और ये हमारी फंक्शन है। मैं इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स है ये ओपन करके क्लोज करूँगा और अभी सेव करूँगा। तो आपको क्या लगता है, ये अभी कॉल हो जाएगी? देखिए नॉर्मली हम इसी तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं, सेव करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमें सिंटैक्स एरर मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड टोकन। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सिंटैक्स पार्सर है ये इसको ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो सिंटैक्स पार्सर को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि इसको थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए, आप क्या कर सकते हो, ये जो फंक्शन है इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर अगर आप इस तरह से रैप करोगे, देखिए ये सिंटैक्स थोड़ा दिखने में थोड़ा सा स्ट्रेंज दिख रहा है, लेकिन ये जो इमिडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन है कुछ इसी तरह से काम करता है। और अभी अगर मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो सेटअप डन, मतलब ये फंक्शन अभी ऑटोमेटिक इसको कॉल कर रही है। ठीक है, मैन्युअली हमें इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स है इसको आप इसके अंदर भी लिख सकते हो इस तरह से। देखिए सेव करूँगा तो भी ये काम करेगा। ओके, तो आपको जैसा सही लग रहा है वैसा आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको बाहर से रखूँगा ताकि ये थोड़ा सा रीडेबल मुझे लग रहा है, ये फंक्शन है, और फिर इसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, सेव। तो देखिए, और ये जो है ये लाइब्रेरीज़ के अंदर बहुत बार यूज़ होता है, क्योंकि कोई भी लाइब्रेरी का पूरा कोड हम इस फंक्शन के अंदर रख सकते हैं, ताकि बाहर से इसके जो वेरिएबल्स होंगे लाइब्रेरी के अंदर वो एक्सेस ना हो। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था कि किसी भी फंक्शन के अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं वो बाहर से हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ये लाइब्रेरीज़ में बहुत बार यूज़ किया जाता है, कोई भी लाइब्रेरी अगर कोई बनाता है तो। अभी यहाँ पर देखते कि और एक टर्म है, वो है देखिए एरो फंक्शंस। ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक है, क्योंकि अभी आजकल एरो फंक्शंस यूज़ होती है ज़्यादा करके, क्योंकि ये नया है, ES6 में आया था। तो एरो फंक्शंस मतलब सेम फंक्शन ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरह से इसको लिखा जाता है, और इसके भी अपने अपने कुछ फीचर्स हैं। तो एरो फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जो हमारा नॉर्मल तरीका है लिखने का। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ const login, और यहाँ पर करूँगा फंक्शन, और इस तरह से हम करते हैं बेसिकली, राइट, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर करते हैं लॉग्ड इन। ओके, देखिए इस तरह से हम नॉर्मल फंक्शन एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेकिन अभी इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एरो फंक्शन से। वो आपको कैसे करना है, बहुत सिंपल है। देखिए ये जो फंक्शन कीवर्ड है ये निकल जाएगा,
तो मैंने इसको निकाल दिया। और जो ब्रैकेट्स है ये ऐसे रहेंगे, लेकिन इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये एरो लगा दूंगा। देखिए ये इक्वल का साइन और जो जो एंगल ब्रैकेट है इस तरह से, ये एरो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है एरो फंक्शन। तो इसमें बेसिकली जो फंक्शन कीवर्ड है वो निकाला जाता है और यहाँ पर ये एरो लगाया जाता है, ठीक है। अगर इसको मैं कॉल करूँगा, कॉल आपको उसी तरह से इसको करना है जैसे नॉर्मल फंक्शन को करते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे लॉग्ड इन। और बिल्कुल उसी तरह से आपको अगर कोई पैरामीटर पास करना है तो आप इस तरह से आप कर सकते हो, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। ये इस तरह से आप पैरामीटर पास कर सकते हो और फिर उसको आप यहाँ पर इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। अभी ये भी ठीक है, लेकिन आप इसको अगर आप यहाँ पर एक ही लाइन अगर लिख रहे हो तो आप इसको और भी शॉर्ट बना सकते हो। तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए एक काम करता हूँ, मैं एक और एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, और एक फंक्शन बनाते हैं और इसको नाम देते हैं सम, ठीक है। बेसिकली हम एडिशन यहाँ पर दो नंबर्स की करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नॉर्मली इस तरह से नॉर्मली फंक्शन हम बनाते हैं, एरो फंक्शन, ये लगा दिया, फिर एरो और फिर फंक्शन बॉडी। और यहाँ पर मैं पैरामीटर रिसीव करूँगा नम वन और नम टू, दो नंबर्स मैं रिसीव कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनकी जो एडिशन है वो मैं रिटर्न करूँगा, तो नम वन प्लस नम टू, ओके। और सम को अगर मैं कॉल करता हूँ, देखिए इसको हमें यहाँ पर स्टोर करना होगा और फिर मैं इसको लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो आप देख सकते हो नॉट अ नंबर, क्योंकि हमें यहाँ पर पास करना है नंबर, फोर और सिक्स में पास करता हूँ। तो आप देख सकते हो टेन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ओके टेन। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ फाइव, लेकिन नाइन मुझे दिख रहा है, मतलब इनकी जो सम है वो मुझे मिल रही है। अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ही लाइन है, तो एक लाइन अगर है तो आप इसको और भी शॉर्ट बना सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसको आपको निकाल देना है और ये जो है इसको आपको ऊपर इस तरह से लिखना है। और यहाँ पर आप इस तरह से अगर लिखोगे तो जो रिटर्न कीवर्ड है वो भी आपको देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आपको इस तरह से लिखना है। देखिए एक लाइन, या फिर इसको वन लाइनर भी बोला जाता है। और अगर मैं इसको सेव करूँगा तो अभी भी ये काम करेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि ये कितना एकदम शॉर्ट हो गया है, एक ही लाइन में हमें पूरा दिख रहा है। और ये जो है एज अ कॉल बैक भी आप एरो फंक्शन दे सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर हमने किया था, हाँ ये देखिए, इसको मैं फिर से अनकमेंट करता हूँ। और ये जो फंक्शन हम पास कर रहे थे यहाँ पर, देखिए ये फंक्शन, इसको भी आप एरो फंक्शन बना सकते हो। तो एरो फंक्शन को बनाने के लिए नॉर्मल क्या करना है, आपको फंक्शन कीवर्ड को हटा देना है और फिर इसके बाद आपको वो जो एरो है वो देना है। तो देखिए ये बिल्कुल ये भी उसी तरह से काम करेगा। सेव करेंगे और यहाँ पर करते हैं फॉर्मेट टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। फॉर्मेट टेक्स्ट जो फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन जो खुद फंक्शन है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। और देखिए हेलो हमें यहाँ पर दिखेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी हम एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये एरो फंक्शन है। और आप देख सकते हो कि ये एक ही लाइन है तो हम इसको सेम लाइन पे भी ले सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते थे, नॉर्मली ये जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट उसको हटाते थे और यहाँ का भी, और फिर इसको मैं सेम लाइन पे लिख सकता था ऐसे इस तरह से, ठीक है। देखिए ये हमें सेमी कॉलन नहीं देना है और ब्रैकेट को नए लाइन पे लेता हूँ, और सेम लाइन पे मैंने लिया है, इसकी वजह से ये रिटर्न कीवर्ड भी हमें नहीं चाहिए, उसको भी मैं हटा देता हूँ। और बाय द वे ये थोड़ा टेक्स्ट बड़ा है, इसकी वजह से ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, लेकिन अगर मैं छोटा करूँगा तो देखिए ये वन लाइनर हो गया। यहाँ पर देखिए एक ही लाइन पे मैंने यहाँ पे इसको लिखा है, और अगर मैं सेव करूँगा तो ये अभी भी काम करेगा। लेकिन आप अभी देख सकते हो कि ये जो कोड की लाइंस है वो हमारी कितनी कम हो गई। तो ये एरो फंक्शन का जो सिंटैक्स है बहुत ही एलिगेंट है, और इसके अंदर इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। इसके कुछ फीचर्स है जो स्कोप है उसका, और उसके अंदर जो दिस कीवर्ड होता है इसके बारे में आगे जाके हम देखेंगे, अभी इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं एरो फंक्शंस। तो इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ। अभी देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिसेस हैं जो आपको फॉलो करनी है। देखिए गुड प्रैक्टिसेस, कोई भी फंक्शन अगर बनाते हो तो सबसे पहली प्रैक्टिस ये है कि कोई भी फंक्शन आप अगर बनाते हो तो सबसे पहले आपको
याद रखना है कि उसका नाम आपको कैसे देना है, नेमिंग। तो नेमिंग के लिए कुछ कन्वेंशंस होते हैं। देखिए फंक्शंस मतलब बेसिकली क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं, है ना। कोई भी एक्शन हम लेते हैं तो उसका कोड हम उसके अंदर लिखते हैं। तो कोई भी फंक्शन का नाम है तो आप इस तरह से दे सकते हो, जैसे कि शो यूज़र या फिर गेट यूज़र, राइट। गेट से स्टार्ट हो रहा है, शो से स्टार्ट हो रहा है, या फिर कैल्क हो गया, जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट एरिया या फिर कैलकुलेट डिस्टेंस, जो भी है। तो आप देख सकते हो कि जो भी फंक्शन का नाम है ये एज अ वर्ब स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ एक नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन आपको याद रखना है, जो भी आपकी फंक्शन है वो एज अ वर्ब स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे हमने लॉग इन किया था तो लॉग इन भी एक वर्ब है, और जो सम फंक्शन हमने बनाई थी आप इसको नाम दे सकते थे गेट सम, ओके। तो ये करेक्ट होता था, गेट सम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमने गेट जो प्रीफिक्स है वो यूज़ किया है, ओके। तो ये भी डिपेंड करता है आप किस टीम में काम कर रहे हो, तो टीम के साथ में आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब सब लोग एग्री होने चाहिए इस चीज़ को कि हम इस टाइप का कन्वेंशन यूज़ करेंगे, क्योंकि अलग अलग टीम्स के अंदर अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है। तो ये था पहला वाला, और दूसरा ये है, देखिए इसको भी मैं लिख देता हूँ, वन फंक्शन वन एक्शन। इसका मतलब आपकी जो भी फंक्शन है उसका वही काम होना चाहिए जो उसका नाम है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने फॉर्मेट टेक्स्ट जो एग्जाम्पल देखा था फंक्शन, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, उसका नाम क्या था, फॉर्मेट टेक्स्ट। तो उसका नाम वही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर्मेट टेक्स्ट। आपको उसके अंदर उसको प्रिंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसका काम क्या है, उसको फॉर्मेट करना, बस एक ही काम, एक फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक कन्वेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक फंक्शन के अंदर अगर आपको मल्टीपल टास्क करने हैं तो आप उस टास्क के लिए अलग फंक्शन बना सकते हो, और फिर वहाँ पर इसको उस फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हो। अभी तीसरा है, फंक्शन नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे नहीं करना है, देखिए फंक्शन मैंने यहाँ पर बना दी और इसका नाम रख दिया ए, ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ कोड लिख दिया, फिर उसको मैंने कॉल कर दिया। तो आप इस फंक्शन को अगर देखोगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसका जो नाम है वो ये है या फिर बी, जो भी है, जो ऐसे नाम होते हैं, इस टाइप के नाम आपको देने नहीं है फंक्शन को। आपका फंक्शन का जो नाम है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, उसको पढ़ते ही हमें पता चलना चाहिए कि वो फंक्शन क्या कर रही है। जैसे फॉर्मेट टेक्स्ट था, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसको पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि ये फंक्शन क्या कर रही है, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रही है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो अभी के लिए फंक्शंस के बारे में हमें बस इतना ही जानना है, ये मोर देन इनफ है कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।